राजस्थान 12 सालपुरा स्थित कस्बा क्षेत्र के शिवपुरम कॉलोनी वार्ड नंबर 11 में लंबे समय से सड़क की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों द्वारा पूर्व में भी कई बार ग्राम पंचायत सालपुरा में लिखित में अवगत करा दिया गया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है और समस्या बढ़ रही है, जिसको लेकर कॉलोनी के दिलीप सुमन, बबलू वैष्णव, बलराम गुर्जर, चैन सिंह, युवराज सिंह, योगेंद्र, प्रहलाद नागर, अर्जुन सिंह, रवि लोग, सरपंच चंपालाल चंदेल से घर जाकर मिले और कॉलोनी की सड़क की विकट समस्या को लेकर अवगत कराया, जिस पर सरपंच चंपालाल चंदेल ने 8 दिवस के अंदर सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया। हालांकि इस पर कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमने सरपंच चंपालाल की बातों में पूर्व में भी विश्वास किया था, लेकिन सरपंच द्वारा ना जाने किसके दबाव में आकर कॉलोनी में सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया और अन्य कॉलोनियों का कार्य शुरू करवा दिया, जिसको लेकर भी कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त है और इस सरपंच चंपालाल चंदेल द्वारा 8 दिन का समय दिया है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने विश्वास किया है। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह चौरे, आप देख रहे हैं मेरे साथ टीवी भारती न्यूज। आज मैं कवाई की एक ऐसी कॉलोनी जहाँ पे लंबे समय से जो यहाँ के जो कॉलोनी वासी है इनकी बहुत बड़ी समस्या है कि उस कॉलोनी में रास्ता नहीं है, जिसको लेकर के उन्होंने शासन और प्रशासन समेत जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के जो मुखिया जी है सरपंच साहब, इनको कई बार अवगत करा दिया गया, लेकिन इनकी कॉलोनी की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। कई बार पहले भी सरपंच साहब को अवगत कराया, लेकिन ग्राम पंचायत के किन कारणों द्वारा सरपंच साहब ने टालम टोल करके और इनको गुमराह किया है, और आज एक बार फिर ये कॉलोनी वासी जो है सरपंच साहब के पास आए। हम जानना चाहते हैं सरपंच साहब से कि क्या आगे की क्या सरपंच साहब की योजना रहेगी विकास कार्य को लेकर। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो ये शिवपुरम जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में जो इनकी रोड की जो समस्या है, इस समस्या के लिए आपकी क्या भूमिका है? देखिए, हमारा इस साल जो टेंडर हुआ थोड़ा विलोम हुआ था, तो उस कंफ्यूज में था, तो उसके लिए हमने कागज की पूर्ति करी और वो शीघ्र ही इसको हम 8 दिन भी नहीं लगेंगे भगवान ने चाहा तो उसका कार्य। अभी अभी सरपंच साहब ने बताया कि बहुत ही जल्दी 8 दिन भी नहीं लगेंगे और कार्य चालू करवाने 8 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल फुल प्रोसेस। आप चैनल पे बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं, 8 दिन में हम भगवान ने चाहे तो बिल्कुल चालू कर दूंगा इस काम को। इसमें लेट कर 8 दिन में रफ में करेंगे या किस में करेंगे? पहले तो डिलीवर उसमें वो ग्रेवल वगैरह कर लेंगे और इसके बाद इसको चालू करवा दिया जाएगा बहुत जल्दी। इसका कार्य बरसात का ऑप्शन नहीं, नहीं नहीं, बरसात के पहले इसको निपटा दिया जाएगा। मुझे इसकी फिक्र है, वहाँ लोग सभी परेशान रहते हैं, मैंने पहले भी इस चीज़ को आगे भी अवगत कराया अधिकारियों को, उन लोगों ने देख लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। सरपंच साहब ने एक बार फिर 8 दिन का आश्वासन दिया है और इससे क्या आप लोग संतुष्ट हो? पानी पड़ जाएंगे तो रास्ता खराब हो रहा है, और साथ को पहले जान चाहिए। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।